नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन डे चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। और अभी हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति 2020 के बारे में। एक कंफ्यूजन सा बना हुआ है कि मकर संक्रांति 14 तारीख को है या 15 तारीख को, तो वो कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। साथ ही आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए और इसके पीछे वैज्ञानिक महत्व क्या है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लेकिन उससे सब्सक्राइब करिए एजुकेशन डे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि आप पाएंगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य ही दबाइएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मकर संक्रांति कब है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। क्यों मनाई जाएगी, इसका कारण आपको बता दें। दरअसल आपको बता दें, 14 जनवरी की मध्य रात्रि के बाद यानी कि 2:07 पर सूर्य मकर राशि के अंदर आने वाला है, यानी कि 14 जनवरी के बाद आने वाला है। इसीलिए 15 तारीख को यानी कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। चलिए, तो इसके साथ ही एक और अहम बात मकर संक्रांति पर देखने को मिलती है, वो बात होती है घर में व्यंजन बनने, और वो व्यंजन होते हैं तिल के। ज्यादातर तिल के लड्डू, तिल की पापड़ी आदि आदि बनते हैं, और इसके साथ ही खिचड़ी भी बनाई जाती है भोग के रूप में। तो ये क्यों बनाए जाते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें, तिल होता है वो गर्म, और रियल में गर्म नहीं, ऐसे आप हाथ लगा के देखोगे तो वो गर्म नहीं होगा, बल्कि खाने के बाद जो पाचन तंत्र के बाद जो काम करता है वो शरीर में गर्मी का काम करता है, और इसी कारण तिल खाए जाते हैं। दरअसल आपको बता दे, अभी जो 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति है यानी कि मकर राशि में जैसे प्रवेश करेगा, चाहे वो 14 जनवरी को या 15 जनवरी को, सूर्य जैसे मकर संक्रांति के बाद मकर राशि में प्रवेश करता है, उसके बाद दिन लंबा होना चालू हो जाता है, वहीं रात छोटी होनी शुरू हो जाती है। यानी कि इस प्रकार से एक वातावरण में नया बदलाव देखने को मिलता है, और इसके बाद से गर्मी लगातार बढ़ती रहती है, क्योंकि दिन का जो साइज होती है, जो दिन की जो एक कह सकते हैं विधि अवधि होती है, वो बड़ी हो जाती है, और इस वजह से गर्मी पृथ्वी पर बढ़ने लगती है, और इसी वजह से तिल के लड्डू पहले खा लिए जाते हैं। इसलिए खा लिए जाते हैं क्योंकि सीधा जो भी सर्दी से गर्मी में जाएंगे तो बीमार होने की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इससे पहले शरीर में वो बैक्टीरियाज, वो एंटीबायोटिक्स लाई जाती है गर्म चीज़ें खाने से, ताकि गर्मी को हम सहन कर सके। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जैसे गर्मी के बाद मानसून आता है तो ज़्यादातर बीमारियाँ फैलती है, तो उस समय वैसा होता है। इसी प्रकार से इस समय यानी कि सर्दी से सीधा गर्मी में प्रवेश करने के लिए हमें पहले से ही अपने शरीर के अंदर एंटीबायोटिक्स बनानी होती है, और उसके लिए हम गर्म चीज़ें जिसमें तिल और गुड़ की चीज़ें खाते हैं, यानी कि हम तिल के लड्डू इत्यादि खाते हैं। इसके साथ ही अन्य महत्व भी आपको बता दें। चलिए इसके साथ बात कर लेते हैं। तो एक और कार्य मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन पूरा आसमान पतंगों से भरा हुआ नजर आता है, और पतंगे लोग उड़ाते हुए नजर आते हैं। इसका भी महत्व है, पतंगे उड़ाने से यानी कि जब हम पतंगे तभी उड़ा पाएंगे जब हम खुले आसमान में यानी कि खुले मैदान में चले जाएंगे या फिर छत पर चले जाएंगे, तभी हम पतंग उड़ा पाएंगे। और इसका भी महत्व यह है कि जो सूर्य की किरणें होती है वो हम सीधा हमारी त्वचा एब्जॉर्ब करती है, और इसी वजह से हमारे शरीर में गर्मी का एहसास होता है, जो हमें आगे आने वाले गर्मी से बचाता है, यानी कि गर्मी में जो भी हमें बीमारियां हो सकती है उनसे बचाता है। तो यह थे वैज्ञानिक महत्व। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।